नोटबंदी के फैसले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दादरी में अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी तो पहले ही कैशलेस हो चुकी है। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश ही नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो ईमानदार लोग हैं उन सबको लाइन में खड़ा कर दिया है। साथ ही राहुल ने नोटबंदी के फैसले को गरीबों के खिलाफ जंग बताया है। राहुल ने कहा कि काले धन वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब भाग गए हैं। इस फैसले से आम लोगों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं नोटबंदी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 500 रुपए का नोट क्यों बंद कर दिया, जबकि यह सबसे ज्यादा चलन में था। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने 2000 का नोट लाकर घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं चिदम्बरम ने नोटबंदी को पूरी तरह नाकाम बताते हुए इस फैसले को खोदा पहाड़ और निकली चूहिया की संज्ञा दी है। नोटबंदी का आज 35वां दिन है और लोग अभी भी बेहाल हैं। वहीं इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और एक के बाद एक मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।